असाइनमेंट वन, असाइनमेंट वन का जो क्वेश्चन नंबर वन है ना बेटा, ये असी ऑलरेडी क्लास दे विच डिस्कस किया होया। थानू याद होएगा कि आप एक रिलेशन किया सी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन च काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300% है, तो इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम फाइंड आउट करनी है। ये सारा कुछ असी न्यूमेरिकल उत्ते सॉल्व किया सी कि क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 mk, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम निकालनी है, मींस फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मोमेंटम ओवर इनिशियल मोमेंटम इनटू 100% आ निकालना होता है। इनू आपा पीएफ बाय पीआई माइनस वन इनटू 100% इज इक्वल टू, हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली अगर देखो तो पी आई होएगा अंडर रूट 2 mki, तो पी एफ होएगा अंडर रूट 2 mkf। तो जो तो आप इतने पुट करेंगे इस पॉइंट से सब्सिट्यूट करेंगे पी एफ से पी आई की वैल्यू, तो वो थोड़ी बन जानी है अंडर रूट kf बाय ki -1 इनटू 100%। बस हुण के आई नु अगर आप मान लीए के, तो के एफ की है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 300% ऑफ चेंज ऑफ के, मतलब के प्लस 300 बाय 100 के मींस 4 के। तो हुण आ वैल्यू आप के एफ ओवर के आई की जी वैल्यू है दैट इज 4 k/k मीन्स 4, आ वैल्यू आप इतने पुट कर देनी है, तो थोड़ी आंसर की आ जाना पुत्र √4 - 1 इंटू 100%। सो 2 - 1 इंटू 100%, तो 100% थोड़ा इज इन मोमेंटम। पता लगा है वो तो उन क्वेश्चन नंबर टू, असाइनमेंट वन का क्वेश्चन नंबर टू, यूनिट नंबर फोर की असाइनमेंट है। उदेश तुहानू गिवन है एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स ए टेंशन ऑफ 4500 N इन ए हॉइस्टिंग केबल एंड रील्स इट इन एन एट द रेट ऑफ 2 m/s। मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो जड़ी टेंशन पैदा कर रही है, टेंशन मीन्स फोर्स, वो 4500 N दी है, और जड़ी रील है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी 2 m/s, पावर निकालनी है बेटा। तो बेसिकली पावर आपका दसिया सी रेट ऑफ डूइंग वर्क भी है, पर नाल आपका दसिया सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी भी है। हुण इत्थे असी बेटा देखना वा कि टेंशन फोर्स है बेसिकली, और टेंशन और वेलोसिटी क्योंकि इन्हां दी डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो सेम डायरेक्शन च है दोनों, तो इट मीन साडे सेकंड न्यूमेरिकल च टेंशन इनटू वेलोसिटी तो पावर आ जाएगी 4500 × 2, सो 9000 W। जदों तुसी असाइनमेंट नंबर वन यूनिट नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं बेटा, इधर गिवन है कि पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी, थोड़ा देखियो वेलोसिटी दिती है पार्टिकल दी 5 i कैप, सॉरी फाइव आई कैप -3 j कैप +6 k कैप m/s, और फोर्स गिवन है वो तो 10 i कैप +10 j कैप +20 k कैप न्यूटन।
पावर निकालनी है, पावर फिर वही फार्मूला वाला डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी तो आ जानी है। तो हम 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 20k कैप डॉट 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो हम जो तो डॉट प्रोडक्ट निकालना पुत्र, ता एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई होने हैं 10 × 5, वाई नल वाई कंपोनेंट्स 10 × -3, जेड नल जेड कंपोनेंट्स 50 − 30 प्लस 120, 140 वॉट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 दे विच। तो उन देखो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, कि पंप कैन टेक आउट, तरन सर चरणों में अटेंड कर लो। आ नहीं रहा पुत्र, वो प्रॉब्लम हमें। अच्छा ठीक है, पंप तो फोर्थ क्वेश्चन है, पंप कैन टेक आउट 36,000 किलोग्राम ऑफ वाटर पर आवर। तो मास ऑफ वाटर है 36,000 kg और टाइम 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड है फ्रॉम ए वेल ऑफ 100 मीटर डीप। तो देखो बेटा, अगर आप कहिए कि आहा वेल है और आ पानी है और आ डेप्थ 100 मीटर है, तो पानी ने ऊपर 100 मीटर हाइट के ऊपर ले जाने लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, MGH इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और ये वर्क कितने टाइम च हो रहा 3600 सेकेंड। तो इसका मतलब पावर ऑफ पंप, आउटपुट पावर ऑफ पंप की हो गई वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो MGH ओवर T, जी दी वैल्यू बेटा तुसी ले लियो 10, पर हम अगली गल समझने वाली की है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 50% इट्स पावर इज। गल सुनियो बोल, जेड़ा पंप है वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इस पंप नो इनपुट पावर मिल रही है इनपुट इलेक्ट्रिक पावर, और पंप की जड़ी आउटपुट पावर है वो है मैकेनिकल पावर, आउटपुट मैकेनिकल पावर। ये पी नॉट है, ये पी आई है, और ये जड़ी मैकेनिकल पावर है ये पानी के ऊपर एच हाइट तक ले जाने लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब जड़ी पी नॉट की वैल्यू है वो असि MGH/T तो निकाल लेनी है। तो एफिशिएंसी होती है बेटा, एफिशिएंसी ऑफ पंप या एफिशिएंसी किसी भी चीज की है वो है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। उन एफिशिएंसी ऑफ पंप थानू दिखती हुई है 50%, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। हुन आउटपुट पावर की वैल्यू तुसी MGH/T तो निकाल के इथे पुट कर देनी पुत्र। 50% का मतलब 1/2 इज इक्वल टू पी नॉट बाय पी आई, तो पी आई की वैल्यू हो गई तुहाडे 2 P0। तो मीन्स जो आउटपुट पावर आएगी ना इथों MGH/T तो उदा डबल है इनपुट पावर ऑफ पंप। उन्हें इनपुट पावर ऑफ पंप बारे पूछे वा, तो इस तरीके नाल असी इनू निकाल।
समझ आ रही पुत्र? क्वेश्चन नंबर ठीक तो 2 मिनट पीछे करो एक। करोगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हटके है और खास करके जेई मेंस लाई के फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और इतने के कांस्टेंट है बेटा। ए फोर्स F एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजन, तो स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजन। द पार्टिकल इज टेकन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पॉइंट 8,0 एंड देन पैरेलल टू वाई एक्सिस टू पॉइंट 8,8। द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, मतलब पार्टिकल नु असी शिफ्ट कीता इनिशियल पोजीशन ओरिजिन तो फाइनल पोजीशन तो असी वर्क डन निकालना वा। हुण नोट करने वाली गल की है, क्योंकि थोड़ा पार्टिकल ना पुत्र एक्स वाई प्लेन च मूव कर रहा है, इहदा मतलब एक्स और वाई की वैल्यू के चेंज होने नाल फोर्स चेंज होएगी, मीन्स ए फोर्स वेरिएबल फोर्स है। तो इस करके इतने वर्क डन निकालने लई तुसी फोर्स डॉट डी आर एक फार्मूला लाना, क्योंकि थोड़ी एक्स वाई प्लेन च डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इस करके डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वैक्टर लिखनी है, और डी आर वैक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी यूज करनी तुसी एक्स वाई प्लेन च, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अच्छा हुण इहदा मतलब डब्ल्यू की वैल्यू हो गई एफ वैक्टर है माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, डॉट डी आर वैक्टर की वैल्यू है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। हुण पुत्र माइनस के का कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, हुण जो आप डॉट प्रोडक्ट लवेंगे तो वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, ये डॉट प्रोडक्ट नो सॉल्व करके आएगा ना, क्योंकि जेड़ा वाई है ना वो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का और एक्स जेड़ा वा वाई कंपोनेंट है, क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट वाई है जे कैप का एक्स है, ध्यान रखी दा। हुण पुत्र इथे आके थोड़ा जिहा एक तुहानू दस्या भी ये क्वेश्चन मेनली क्वेश्चन हैगा वा आईआईटी पैटर्न। तो देखो माइनस के वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई नू ना तुसी इदा लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, तुसी कहोगे क्यों लिखिया, देखो पुत्र जदों तुसी एक्स वाई नू मल्टीप्लाई करके डी डिफरेंशिएट करोगे तो यूवी फार्मूला दे अकॉर्डिंगली डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बनेगा है। इदा मतलब असी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई नू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। हुण डिफरेंशिएशन ते इंटीग्रेशन एक दूजे दे रेसिप्रोकल है, तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तो तुहानू याद है अगर इंटीग्रेशन दे अगे डी एक्स लिखिया इहदा मतलब असी एक्स नू डिफरेंशिएट कर रहे हैं नाल इंटीग्रेट, तो डी और इंटीग्रेशन खत्म हो जाते हैं तो आंसर एक्स आ जाता है। इहदा मतलब इत्थे आंसर जिहड़ा वा ना वो आफ्टर इंटीग्रेशन आएगा माइनस के एक्स वाई। पर हुण इत्थे तुसी लिमिट्स भी लैनी है, लिमिट्स कितना लेनी है, क्योंकि इनिशियल एक्स है 0 y 0 और फाइनल एक्स ए वाई भी ए, तो जदों असी इत्थे उन्हें सॉल्व करना आफ्टर इंटीग्रेशन साडा आंसर आ गया माइनस के एक्स वाई, पर इहदियां लिमिट्स की है 0 0 ए ए।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੇ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਲਿਮਿਟਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ a ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ a ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ 0, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ 0, ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ k a ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ JEE ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ट्रक ऑफ मास 30,000 kg मूव्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन राइजिंग 1 in 100। आ बेटा मैं बनाता थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन दिया जो डायमेंशन दितियां राइजिंग 1 in 100 का मतलब कि 1 in 100 मीन्स 1 परपेंडिकुलर है, 100 हाइपोटेन्यूज है, मीन साइन थीटा की वैल्यू दिती है 1 in 100। और इस इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर जेडी बॉडी है ट्रक है वो मूव कर रहा विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 25/3 मीटर पर सेकेंड नाल एक ट्रक मूव कर रहा अपना इंक्लाइंड प्लेन, तो आपा पावर निकालनी है। हम कल आनी कितने आ गई, खत्म होनी है। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रक के ऊपर एक फोर्स लगनी है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरी फोर्स लगनी है नॉर्मल रिएक्शन, तो आपा वेट दे बना लेने हैं पुत कंपोनेंट्स, mg cos थीटा mg sin थीटा। हुन क्योंकि थोड़ा ट्रक ऊपर नू जा रहा है, आपका इंक्लाइंड प्लेन है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इहदा मतलब जेड़ा ट्रक दा इंजन है ओदे करके ट्रक ते फोर्स ऊपर नू लग रही है f केदे बराबर mg साइन थीटा। क्योंकि ये क्यों अपना इतना कंक्लूजन निकाले पुत्र, क्योंकि ट्रक मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है डायनामिक इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0, n mg cos थीटा दे बराबर और mg साइन थीटा f दे बराबर। तो हुन पावर अपना कटनी है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स की वैल्यू है mg साइन थीटा और v, और m है 30,000 kg, g है 10, साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें दी है 1/100 और v की वैल्यू है 25/3, तो ये थोड़ी पावर आ जाएगी इस न्यूमेरिकल से। ठीक है पुत्र, देखो पुत्र क्वेश्चन नंबर 7, जॉय ब्रीथ, तो हाँ जी सर, समझ आ रही है अचिंत हाँ जी सर, हाँ जी सर, नितेश यस सर, प्राप्ति हाँ जी सर, आशना,
जी अरमन, सर। हाँ जी सर। कुणाल, यस सर। ठीक है। और देखो पुत्र, क्वेश्चन नंबर 7 की बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज टेकन अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। तो मैं सब तो पहला ड्रॉ कर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन जिसकी हाइट है 5 मीटर और इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है 10 मीटर, और इसके ऊपर एक बॉडी प्लेस्ड है और इस बॉडी का मास तुहानू गिवन है 0.5 kg। नाउ द बॉडी इज अलाउड टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम अगेन। मतलब बॉडी नू पहला आपा बॉटम तो टॉप तक लगाए बी तक, फिर असी इनू वापस भी लेके आए बी टू ए। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन इज 0.1। द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। गल नू समझो, तो सोचो आ थोड़ा ऑब्जेक्ट है, इहदे ते एक फोर्स लगनी है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरी फोर्स लगनी है नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, और आ एंगल थीटा वा कुछ। तो एम जी कॉस थीटा तो एन नू बैलेंस करेगा। अच्छा, जदों ऑब्जेक्ट ऊपर नू जा रहा तो डिस्प्लेसमेंट आपका प्लेन है बट फ्रिक्शन है काइनेटिक नीचे नू होएगी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो बाय फ्रिक्शन होने करके फ्रिक्शन और ए टू बी डिस्प्लेसमेंट उधर देखो वो है 10 मीटर, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अप द प्लेन है जबकि फ्रिक्शन डाउन डाउन द प्लेन है, इस करके कॉस 180 डिग्री। तो आंसर आ गया -10 FK। अच्छा हुण दोबारा देखो, जदों तुहाडी बॉडी नीचे नू आ रही है बी टू ए तो डिस्प्लेसमेंट डाउन द प्लेन है जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन अप द प्लेन हो जाएगी। तो इहदा मतलब सिमिलरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू ए भी -10 FK आ जाना, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन की हो जाना फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू ए -20 FK। हुण एफके की वैल्यू कितना कटनी है, तो एफके हुंदा वा म्यू एन, म्यू 0.1 दिता थानू, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। सो एदा मतलब टोटल वर्क डन आ गया -20 × 0.1 इंटू एम जी कॉस थीटा। हुण आ वाला थीटा जरा वा ए है कॉस थीटा बेसिक। तो हुण देखो आ हाइपोटेन्यूज 10 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो बेस की वैल्यू अपना पाइथागोरस थ्योरम तो 100 − 25 √75, तो 5√3। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू इतने की आएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2। मतलब थीटा जरा वा ना वो बेसिकली की दिता होया थानू इतने 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लीनेशन इना दिता। सो कॉस थीटा की वैल्यू जी है तो इतने पुट कर देनी, इतना आंसर -20 × 0.1 मास 0.5 kg g 10 है और कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 है, ये थोड़ा आंसर आ गया इमेज तो सॉल्व कर ले। हो जाएगा पुत्र,
दो मिनट नोट कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कह देने हैं। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। उन्हें क्या, रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है, पर नेगेटिव साइन रिटार्डेशन करके ले। अब तो आप दसना की है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू उन काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है पुत, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता। तो हम ये मतलब असी वी दी वैल्यू, वेलोसिटी दी वैल्यू निकालनी है, जबकि सानू पता है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये गिवन है, और आप फाइंड आउट करना है। तो असी की करना है, एक्सेलरेशन नो रिप्लेस कर देना डीवी बाय dt। पर अगे जाके गल नू समझो, तो देखो तुसी याद रखना एक्सेलरेशन नू कटन दा एक फार्मूला होंदा dv बाय dt, और दूसरा फार्मूला असी लिख सकते हैं dv बाय dt इनटू dx ओवर dx इतना। और इनू जदों आपस च इंटरचेंज करांगे ना पुत, तो dx बाय dt इंटू डीवी बाय डीएक्स। डीएक्स बाय डीटी है वेलोसिटी, मतलब कहंदा साडे कोल आ भी ऑप्शन है एक्सेलरेशन नू लिखन दी। इट मीन्स असी की करना है थे, एक्सेलरेशन नू डीवी बाय डीटी जगह लिखन दे वी डीवी बाय डीएक्स लिख लेना माइनस एक्स। इसका मतलब वी डी एक्स डी वी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स डी एक्स। हम आप इंटीग्रेट कर देना दोनों साइड्स को, तो वी डी वी ध्यान दे, ये बन गया वी स्क्वेयर बाय टू, और आ बन गया आफ्टर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय टू। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना, क्योंकि असी ये प्रूव करता वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इसका मतलब जी काइनेटिक एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, वो आप लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर है ना। काइनेटिक एनर्जी का लॉस एक्स स्क्वेयर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लिखा जा सकता। क्लियर है पुत्र? नाइन्थ क्वेश्चन है, ए रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ए बॉय, एक मैन है एक बॉय है, दैट ए बॉय हाफ हिज मास हैज। अगर आदमी का मास कैपिटल एम है तो लड़के का मास कहता आदमी के मास नालों हाफ है, पर आदमी की काइनेटिक एनर्जी, रनिंग मैन की काइनेटिक एनर्जी लड़के नालों हाफ है। मीन्स
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। हाँ, कंडीशन है पहली। तो आप मान लेने हैं कि मैन दी वेलोसिटी वी है और बॉय दी स्मॉल वी है, तो हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, आता कंडीशन ने दिता ना हाफ इन्होंने, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय की है हाफ मास ऑफ बॉय इनटू वी स्क्वायर। सो इथों हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 एम वी स्क्वायर आ गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आ रिलेशन बन गया, तो कैपिटल वी आदमी दी वेलोसिटी है, स्मॉल वी लड़के दी वेलोसिटी। उन्हों की कह रहा द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड। तो जदों मैन ने ना अपनी स्पीड 1 मीटर बढ़ा ली, मतलब पहला मैन दी स्पीड सी वी, हुण हो गई वी प्लस वन, तो हुण लड़के दी उन्नी रही है, लड़के ने नहीं स्पीड बढ़ाई, तो हुण काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, मतलब हाफ एम वी प्लस वन स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ एम कटिया गया पुत्र, तो वी प्लस वन स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय टू। हम इतों देखो वी स्क्वेयर नु असि की कर सकते हैं, अब वी स्क्वेयर की वैल्यू 4 कैपिटल वी स्क्वेयर लिख सकते हैं ना, टू कैपिटल। हम इन लेफ्ट साइड में सॉल्व करो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी थी, तो ए बन गया थोड़ा वी स्क्वेयर। इन्हें सारे ना आ टर्म्स को इधर नो शिफ्ट कर देना, तो वी स्क्वेयर -2b-1 इज 0। आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर कट कर सकते। कर लूंगे सॉल्व पुत्र, ते 10th प्रॉब्लम देख लो। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वेरीज इनवर्सली एज इट्स स्पीड। जेडी फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड है। शो दैट काइनेटिक एनर्जी वेरीज लीनियरली विद टाइम। तो आपा प्रूव करना कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी है, ये प्रूव करना, टू प्रूव। हुण आ सानू गिवन है, देखो फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b है तो इट मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। हुण मास का कांस्टेंट है ना, मतलब आपा लिख सकते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हुण एक्सेलरेशन नु डीवी बाय डीटी लिख लेना, तो वी डीवी प्रोपोर्शनल टू डीटी हो गया। हुण जदों आपा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करना, वी स्क्वेयर बाय टू प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। तो हम क्योंकि थानू पता काइनेटिक एनर्जी होंगी हाफ एम वी स्क्वेयर, तो यदा मतलब जे असी वी स्क्वेयर बाय टू की वैल्यू पुट करिए तो काइनेटिक एनर्जी की आ गई एम टी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी, हेंस प्रूफ। समझ आ गई है? हाँ इतने रुक जाने पुत्र, बाकी 3 क्वेश्चन कल क्लास च पहला करांगे, फिर अगे चलांगे आपां।